हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम रायता बनाने वाले हैं। ठंड का समय है इसलिए ठंड है, और भथुआ का रायता ना खाया हो ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए आज हम बनाने वाले हैं रायता, जिसके लिए हमने भाजी धो के काट के रख ली है। अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लिया है, जिसमें डाला है जीरा और थोड़ी सी हींग डाल दी है। अब इसमें कटी हुई भाजी ऐड कर देंगे हम। ये भथुआ की भाजी है, साथ में थोड़ा सा नमक जाएगा और फिर इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। देखिए मिक्स हो चुकी है, अब इसको हम ढक के पका लेंगे। भाई ये बहुत जल्दी पक जाती है, 2 मिनट में ही। अब चलिए हम चेक करते हैं हमारी भाजी। देखिए पक चुकी है और पक के थोड़ी सी कम भी हो गई है। अब हम लेते हैं थोड़ा सा मठा, ये दही था जिसे हमने मिक्स कर लिया है, तो ये मठा बन गया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा जीरा पाउडर और ये थोड़ी सी रेड चिल्ली पाउडर। अब हम तड़का रेडी करेंगे इसका, जिसके लिए मैंने गैस ऑन किया। एक छोटी सी कटोरी है मेरे पास, उसमें मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है, थोड़े से जीरे डाले हैं, इसको हिला देना है पकड़ के, और थोड़ा सा डाला है हींग। और देखिए हमारी हींग होने लगी है। हींग कच्ची नहीं रहनी चाहिए, थोड़ी सी भुन जाए आप ध्यान रखिए, थोड़ी रेड सी हो जाए, डार्क ब्राउन सी, फिर आप इस गैस को बंद कर दें। और फिर तुरंत रेड चिल्ली पाउडर नहीं डालना, थोड़ी ठंडी हो जाए, नहीं तो ये जल जाएगी और फिर कलर अच्छा नहीं आएगा। देखिए अब हमने मिक्स कर लिया और इसको ऊपर से डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी भाजी जो कि हमने अभी पकाई हुई थी। आप चाहें तो पीस के भी डाल सकते हैं, मेरे को ऐसी पसंद है इसलिए मैंने ऐसी डाल दी है। ये हमारी भाजी डल चुकी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए हमारा रायता बनके रेडी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। खाओ पियो ऐश करो यार।